गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून एवरीवन, सभी प्रेजेंट हो जाओ। हाँ जी सी आर हरप्रीत एंड मनप्रीत, यस सर। एम आई ऑडिबल टू यू? यस यस सर जी। यस सर, माय सेल्फ कमलप्रीत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर एट चंडीगढ़ पॉलिटेक्निक कॉलेज, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सेशन with the fifth semester students of electrical department, and it's regarding the their subject, that is the minor project. Okay sir, starting with the syllabus in the minor project, Harpreet, I'm going to share the syllabus with your class once it is visible on your screen. Okay, just नो सर, अभी शो नहीं हो रहा स्क्रीन पे। वेट अ मिनट, नाउ इज इट विजिबल? हाँ जी शो हो रहा है। ठीक है जी, दिस इज योर माइनर, नाउ इट्स विजिबल। ओके, दिस इज योर माइनर प्रोजेक्ट सिलेबस, दिस आर द जनरल गाइडलाइंस, यू नो आउटकम इज दैट यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस taught in the classroom in solving field and industrial problems. That means whatever you have learned through your classes, all those you can implement practically in this minor project subject. Basically what you have to do is you have to design a small minor projects which should be innovative. Although small, they can be innovative. Okay, so here are the general guidelines which we can carry out, like depending upon the interest of students. For example, first is that first task that I am going to give you today is what you have to do is you have to get the collection of cables, minimum 3 in number. You can read the first task, that is various types of cables available in market, their current rating, specifications of different makes and manufacturing companies. फिर उनका कंपैरिजन करना है कॉस्ट का, ठीक है? दैट मींस यू हैव टू कलेक्ट थ्री, एटलीस्ट थ्री वायर, यू कैन कलेक्ट नंबर ऑफ मोर देन थ्री आल्सो, ठीक है? उनके सभी की आपने कौन से मटेरियल की बनी है, सपोज इट आइदर दे आर मेड अप ऑफ कॉपर और दे आर मेड अप ऑफ एल्युमिनियम, जिस भी मटेरियल की बनी है वो स्पेसिफिकेशन बताइए, ठीक है? फिर उनकी अगर इफ यू हैव टेकन द लेंथ ऑफ 1 मीटर, सपोज you can check the resistance of each wire. अगर aluminium की wire है तो कितना resistance है, copper की wire है तो कितना resistance है, number of bundle conductors, suppose जब आप lamination उतारोगे किसी भी cable की तो उसमें आपको क्या दिखेंगे, either a single conductor या फिर उसमें number of conductors bundle की form में होंगे, ठीक है? You can count the number of और उनका core का size, core size of each conductor, वो आप देख सकते हो, ठीक है? ये सब डिटेल्स और उसके करंट रेटिंग, ठीक है? वो सब स्पेसिफिकेशंस आपने मेंशन करनी है। फर्स्ट ये आज का आपका टास्क है। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट इज योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ आर ऑफ 100 मार्क्स ईच, इंटरनल्स भी माइनर प्रोजेक्ट की एंड एक्सटर्नल्स आल्सो, सो यू हैव टू टेक दिस वेरी सीरियसली, ठीक है? और दूसरा टास्क वी विल कैरी आउट नेक्स्ट वीक। वैसे मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे दूसरे टास्क में आपके क्या कर रहे हैं, वेरियस डोमेस्टिक वायरिंग कॉम्पोनेंट्स, घर के अंदर जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स हैं, कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं आपके? सर स्विच, सॉकेट होल्डर, होल्डर, स्विच एंड एमसीबी वगैरह हो गए सर। ठीक है जी, और MCBs हो गई आपकी, those are protective devices, ठीक है? All these जो घर पे आपके electrical components आप यूज करते हो, उनका सभी की आपने मतलब स्पेसिफिकेशन कौन सी कंपनी की है और उनका कॉस्ट कंपैरिजन इन फर्स्ट केस आल्सो एंड सेकंड आल्सो, ठीक है? तो इन आपको क्या पता चलेगा, जैसे आप ये दोनों चीजें आप करते हो तो इन केस नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर बिल्डिंग अ हाउस या कहीं पे भी आप अपना कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करना चाहते हो तो वहाँ पे बड़े आराम से आपको पता चल जाएगा कौन सी आपने वायरिंग करनी है,
डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट है ना, अगर आप एसी लगा रहे हो तो कितने एमएम की वायर यूज करोगे, और अगर सिंपल फैन है तो कितने एमएम की यूज करोगे, ठीक है ना, क्योंकि रेसिस्टेंस के कारण जो वेस्टेज होगी करंट का, ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट ऑल्सो ऑफ डिफरेंट कंपनीज, तो आप बड़ी आराम से उसको डिसाइड कर सकोगे। सिमिलरली इन अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ऑल्सो, जो दूसरा टास्क है। एंड थर्ड में क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट दी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। हाँ जी हरप्रीत, इलेक्ट्रिकल में प्रोटेक्टिव डिवाइसेस कौन कौन सी होती है सर? एमसीबी, ईआरसीबी एंड आरसीसीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है जी? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मानिता सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है जी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो इसमें क्या है बेसिकली, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या, इसका काम कैसे करती है, क्या कैसे प्रोटेक्ट करती है? सर इसमें तो ऐसा होता है कि हम एक करंट लिमिट होती है, जैसे हम एमसीबी लेते हैं 16 एम्पीयर का, अगर 16 एम्पीयर से हमारा जो एमसीबी है, हमारा ये प्रोटेक्टिंग डिवाइस एक्स्ट्रा करंट लेगा तो ये अपने आप ही ब्रेक डाउन कर देगा सर्किट को। हां जी, या तो करंट फ्लो करेगा या कहीं पे शॉर्ट सर्किट होगा, एक्सेस करंट फ्लो करेगा तो वो ट्रिप कर जाता है, सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है, ठीक है। ठीक है, तो आपने इसमें थर्ड टास्क में क्या करना है, यू विल बी कलेक्टिंग डिफरेंट एमसीबीज। एमसीबीज जैसे सबसे पहले होती है आपकी सिंगल पोल, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है आपकी डबल पोल एमसीबीज, फिर आपकी थ्री पोल आ जाती है, थ्री फेज सप्लाई के लिए थ्री पोल एमसीबी एंड अब फोर पोल। थ्री पोल एमसीबी में सिर्फ आप थ्री फेज फेसेस को कनेक्ट करोगे, यानी फोर पोल एमसीबी, तीनों फेज भी एंड न्यूट्रल वायर एज वेल, ठीक है। मार्केट के अंदर पहले हमारी जो कॉमन लैंप था जिसमें येलो लाइट थी वो भी अवेलेबल है, देन यू हैव सीएफएल, ठीक है, और उसके बाद ट्यूब लाइट्स हैं आपके पास, और अभी जो लेटेस्ट क्या चल रही है आपकी एलईडी, ठीक है। हाँ, तो इनको तीनों का क्या कंपैरिजन करना है, एक तो आपने पहले कंपैरिजन करना है कितनी वॉटेज है और कितने ल्यूमेंस वो लाइट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आप करंट को एम्पीयर्स में मेजर करते हैं, लाइट को किसमें मेजर करते हैं, ल्यूमेंस, ठीक है जी, वो मेजर करना होगा आपने, और उसके बाद बल्ब्स में क्या मेजर कर सकते हो उसकी वॉटेज, मतलब suppose if you are connecting a 100 watt bulb, लेकिन उसकी जो light है वो कम है, कम lumens emit कर रहा है, लेकिन अगर एक 15 watt का bulb है वो ज़्यादा light emit कर रहा है, which is better, 15 वाला ज़्यादा better होगा ना, क्योंकि electrical consumption भी कम है और lumens भी उतनी emit कर रहे हैं, लेकिन उसका जब comparison, when you compare with the cost, price के साथ अगर आप compare करोगे तो वहाँ पे क्या दिक्कत आती है, one is of 10 rupees, ठीक है, एंड अनदर इज ऑफ 100 rupees, लेट्स सी, ठीक है, तो 100 rupees वाले में आपको दिक्कत आएगी कॉस्टिंग के इशू में, लेकिन आगे फर्दर अगर आप उसको डिस्कस करोगे, दैट इज योर लाइफ, कितनी लाइफ है उसकी। एक तो एलईडी को आपको गारंटी देंगे फॉर लेट्स से 1 year और 2 year, लेकिन जो 10 rupees वाला बल्ब है उसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है। तो दिस आर वेरियस कंपेयर इन इलेक्ट्रिकल लेंस। थर्ड आपका आ गया, सॉरी फिफ्थ आ गया आपका, वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो घर पे आप यूज करते हो। कौन कौन से अप्लायंसेस यूज करते हैं आप घर पे, किचन में कौन कौन से यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, हाँ जी, फ्रिज ब्लायर, ठीक है जी, रेफ्रिजरेटर हो गया, माइक्रोवेव हो गया आपका, एसी हो गया आपका, उसके बाद क्या हो गया आपका जो वाटर कूलर से, ठीक है, डिफरेंट अप्लायंसेस, तो इनको सभी को आपने क्या करना है, लिस्ट करना है उनकी, फिर मेक बताना है कौन सी कंपनी के मेड है, मैन्युफैक्चर्ड है, फिर उनकी रेटिंग्स, ठीक है, तो उनका फिर आपने कंपैरिजन करना है, क्लियर है जी। और जो सिक्स्थ है, दैट इज स्टडी एंड स्टडी ऑफ हाउस वायरिंग एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरर्स रेट्स स्पेसिफिकेशन देयर लिटरेचर कलेक्शन फॉर द डिजाइन, मतलब जितनी भी आपके वायरिंग एक्सेसरीज है या उनके मैन्युफैक्चरर्स हैं
उनके सभी का कंपैरिजन करते हैं ना? और लास्ट में आ गया आपका स्टडी ऑफ एलटी एंड एचडी कॉम्पिटेंस। एलटी का क्या मतलब होता है अर्पित? एलटी एंड एचडी लो टेंशन वायर, लो टेंशन वायर एंड एचडी होता है हाई टेंशन। हाँ, जब आप वायरिंग हम करते हैं एलटी एंड एचडी जो ट्रांसमिशन वायर्स होती है हमारी, उसमें अगर देन वायर्स कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? इंसुलेटर्स होंगे आपके, इलेक्ट्रिक पोल्स होंगे, जम्पर्स होंगे, ठीक है, ऑल दीज वेरियस कंपोनेंट्स, उनके आपने क्या करना है, मैन्युफैक्चरर्स कौन कौन मैन्युफैक्चर करते हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन, ठीक है, और उनके कॉस्टिंग जो दोज आर अवेलेबल इन द लोकल मार्केट। तो ये सात टास्क हैं दैट वी सेवन टास्क दैट वी आर गोइंग टू कंप्लीट इन दिस सेमेस्टर। So very first is जो अभी आपने in this coming week what you have to do is you have to collect three or more cables और उनकी आप specifications, current ratings, ठीक है, कौन कौन सी companies की बनी हुई है और उनका per meter क्या cost पड़ रहा है। So these are the details that you will be sharing with me. Is this clear? Okay sir. Yes sir. Okay. You will be marked for 10 marks. सभी ने यू हैव टू मेक अ आइदर यू मेक अ एक्सेल शीट दैट इज द फॉरमोस्ट प्रायोरिटी। एक्सेल शीट में आप इसको बना के मेरे को सेंड करना है सभी ने। एंड स्टिल इन केस यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, अगर किसी के पास लैपटॉप इशू है या कुछ है, दे कैन मेक ऑन देयर नोटबुक और उसकी फोटो क्लिक करके इन अ पीडीएफ फाइल वो आप मेरे को सेंड कर सकते हो। क्लियर है? सो दीज आर द वेरियस टास्क दैट वी आर गोइंग टू कंप्लीट थ्रू द सेमेस्टर, ठीक है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सेवन टास्क तो आपको जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं स्पेशली फॉर द डोमेस्टिक पर्पस, उनकी आपको स्पेसिफिकेशन बड़ी क्लियर हो जाएंगी, रेटिंग्स बड़ी क्लियर हो जाएंगी। तो इन नियर फ्यूचर कभी भी आपने अपना घर कंस्ट्रक्शन कुछ भी करनी है तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का आपको बेस्ट पता होगा कौन सा आपको कॉस्ट वाइज और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो बेस्ट सूट करेगा दैट विल बी क्लियर टू यू, ठीक है। तो दिस इज द, इसके अलावा बेटा आपने नेक्स्ट क्या करना है, फुल क्लास ईच स्टूडेंट विल हैव टू मेक अ स्मॉल माइनर प्रोजेक्ट। माइनर प्रोजेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इन दिस व्हाट यू हैव टू डू इज फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट फील्ड चूज करो, ठीक है, जिसमें जैसे आपका सिक्योरिटी सिस्टम के रिलेटेड, सिक्योरिटी सिस्टम के रिलेटेड क्या है आपका 8512 रोल नंबर, प्लीज डू नॉट मेक द डिस्टरबेंस इन द लेक्चर अदरवाइज आई विल हैव टू डिबार यू फ्रॉम द लेक्चर। हाँ जी, तो अगेन कमिंग बैक, सबसे पहला जैसे आपका सिक्योरिटी का फील्ड हो गया, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, यू कैन मेक सिक्योरिटी अलार्म, ठीक है, और कहीं पे भी अगर आपका कोई लॉकर ब्रेक कर रहा है तो वो आपको क्या करेगा, अलार्म आपका ग्लो होना शुरू होगा और आपको एक्टिव कर देगा, ठीक है। अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें, ठीक है, लेट्स से अगर आपका स्मॉल वाटर टैंक है घर पे, सबमर्सिबल मोटर है आपकी, तो दैट इज अ कॉमन प्रॉब्लम, आप उसको ऑन कर देते हो एंड इट कीप्स ऑन ओवरफ्लोइंग जब भी भरती जाती है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, स्मार्ट सिस्टम लगा सकते हैं, आइदर एन अलार्म विच विल टेल यू दैट योर वाटर टैंक हैज बीन फुल और उसको आप स्विच ऑफ कर सकते हो, अदरवाइज उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम भी, जैसे ही वाटर लेवल उसने डिटेक्ट किया और उसने आपकी मूविंग को कट कर दिया, ठीक है। एंड अगेन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की करें, स्मार्ट जो सिस्टम है जैसे स्ट्रीट लाइट्स है, they are completely switch on throughout the night, complete night on रहती है ना, लेकिन उसको अगर आपने smartly develop करना है तो उसमें क्या है, जैसे कोई vehicle या कोई road पे जो passenger है वो चल रहा है, ठीक है, तो उसको वो जैसे ही detect करेगा कोई motion को, वो lights क्या हो जाएंगी, on हो जाएंगी, तो जैसे ही वो vehicle वहाँ से pass हो जाएगा उसके बाद again वो क्या हो जाएंगी, switch off हो जाएंगी, ठीक है। LDR sensors लगा सकते हो, जैसे अंधेरा तो लाइट्स ऑफ होगी या सुबह ऑफ हो जाएंगी, रात को ऑटोमेटिकली ऑन, तो इन दिस वे आपकी सेव इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा सेव होगी, ठीक है, क्लियर है।
तो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ अर्थ। फर्दर फिर आप आ सकते हो जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर बात करो, उसमें आप क्या कर सकते हो, अननेसेसरली जब आप आपकी जो ट्यूबवेल मोटर्स हैं वो रन करती रहती हैं तो वाटर बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं, सिमिलरली थी इलेक्ट्रिसिटी आ चुका है तो उससे ग्राउंड वाटर का भी डिप्लीशन हो रहा है। तो एक आप लेवल सेट कर देते हो अपने फील्ड में, जितना आपको वाटर लेवल रिक्वायर्ड है जब उतना पानी हो जाएगा खेत के अंदर तो वो मोटर अपने आप आपकी क्या हो जाएगी, स्विच ऑफ हो जाएगी। एंड वन मोर थिंग, आप मॉइस्चर डिटेक्टर सेंसर लगा सकते हो, कहाँ पे, अपने गार्डन में लगा सकते हो। मान लो आपको लग रहा है पानी का मॉइस्चर कम हो गया या नमी कम हो गया तो वो अपने आप किसको एक्टिवेट कर देगी, द स्प्रिंकल सिस्टम। तो स्प्रिंकल सिस्टम से क्या होगा, द कंप्लीट गार्डन क्या हो जाएगा आपका, वो उसको वाटर हो जाएगा और मॉइस्चराइज हो जाएगा, वाटर उसमें आ जाएगा और अपने आप वो उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। तो सिमिलरली ये सभी ना स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट है। अच्छा, अगर हम बात करें हमारे इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड ही, ठीक है, ये इनोवेटिव भी हो सकते हैं प्रोजेक्ट। उसके अलावा और मैं एक आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे हम स्टडी करते हैं दैट वी स्टेप डाउन द वोल्टेज देन वी कन्वर्ट इट टू डीसी सप्लाई, तो वो प्रोजेक्ट्स लाइव प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो। यू कैन यूज अ स्मॉल ट्रांसफार्मर जिससे आप 220 सिंगल फेज सप्लाई जो आपकी आ रही है, यू कैन स्टेप डाउन दैट सप्लाई एंड देन फर्दर कन्वर्ट इट टू डीसी, डीसी से में कन्वर्ट कर क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, या कोई भी डीसी सप्लाई जो जिसमें रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप डीसी सप्लाई दे सकते हैं। क्लियर है ये सर? यस सर। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या बना सकते हो आप? अच्छा, ये मेरे पास, मैं अभी शेयर करता हूँ ड्यूल स्टार्टर, ड्यूल स्टार्टर का मैं आपके साथ एक शेयर कर रहा हूँ, ड्यूल स्टार्टर मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, उसका आप ये लाइव वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बेटा, ये ना इससे अच्छे से समझ लेना, इसमें बड़ा क्लियरली एक एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताई है डीसी सोर्स ऑफ सप्लाई बना सकते हो, दूसरा आपका डीओएल, डीओएल हाइब्रिड क्या फुल फॉर्म होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ठीक है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगेंगे, क्या कुछ होगा, वो मैं सारा अभी आपकी ये वीडियो के हेल्प से आपको कम्प्लीट डायग्राम बड़ा सिंपल वे में एक्सप्लेन किया हुआ एनिमेशन है। ओके सर, हाँ जी हरप्रीत, ये स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। तो ये सबसे पहले क्या है, मेन ब्रेकर एमसीबी लगाई हुई है, एक कॉन्ट्रैक्टर है सिंगल फेस कॉइल वाला, ठीक है, यस सर, विजिबल है, इज इट विजिबल टू ऑल मनप्रीत? हरप्रीत दिखाई दे रही है बेटा स्क्रीन सारी? जी सर, हां जी सर दिख रहा है, यस सर, ठीक है, नोट करते जाओ ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं। You have a push button, green color, which is N, normally open, and red button, which is NC, or single phase motor है आपकी, जो घर पे हम use करते हैं, that is also single phase submersible motor, वहाँ पे भी आप apply कर सकते हो, ठीक है? And this is a pilot light, ये indicators हैं, green and red. And out. Green is when your motor is on, red is when it is off, and this is the circuit diagram. Can you see, Arpit? Yes, sir. Yes. Sir. And circuit diagram. Okay, you can take this screenshot of the circuit diagram. Okay.
कंपोनेंट्स आपको पता चल गए, सिंगल फेज मोटर जो बड़ा इजीली आपके घर पे सबमर्सिबल मोटर है या फिर कोई मिक्सी के अंदर आपकी मोटर है, लेकिन सबमर्सिबल मोटर में जनरली हम डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए अप्लाई करते हैं ना ड्यू, ठीक है, वन हॉर्स पावर की इसमें मोटर दी हुई है, देन यू हैव टू थ्री इंडिकेटर्स ग्रीन रेड एंड येलो, देन यू हैव टू पुश बटन, ठीक है जी, तो जो पुश बटन ग्रीन है दैट इज नॉर्मली ओपन और जो रेड होता है दैट इज नॉर्मली, ठीक है, तो यहाँ पे दिए हुए देखो पीबी स्टॉप, स्टॉप वाला बटन कौन सा होगा दैट इज रेड एंड पीबी स्टार्ट दैट इज ग्रीन, ठीक है, और आप यहाँ पे एक चीज देखो यहाँ पे दिया हुआ उन्होंने पीबी स्टॉप और पीबी स्टार्ट दिख रहे और उसके आगे क्या कनेक्ट किया हुआ, व्हेन यू पुश द ग्रीन बटन तो करंट पास होना शुरू हो जाता है और सीधा कहाँ पे चला जाता है मोटर पे, एट द सेम टाइम आपको एक नीचे एम जो कॉन्टेक्टर है उसकी कॉइल आई है मैग्नेटिक कॉइल उसको एक्टिवेट करता है मेन कॉन्टेक्टर, उसकी दो कॉइल्स होती है वन इज एन सी एंड वन इज एन ओ, ठीक है, जैसे ही आप पुश करते हो तो इसके जो कॉन्टेक्टर्स हैं वो एन सी एन ओ हो जाता है और एन ओ एन सी हो जाता है, तो मतलब आपका जो स्टार्टिंग में ऊपर देखो जहाँ पे रेड फेस लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद सर्किट ब्रेकर लिखा हुआ है टॉप मोस्ट उसमें, तो सर्किट ब्रेकर के बाद एम एक कॉन्टेक्ट लगा हुआ है, तो जैसे ही ये आपकी एक्टिवेट होगी तो यहाँ से क्या होगा करंट पास होना शुरू हो जाता है मोटर के पास चला जाता है, ठीक है, और नीचे देखो अगर आप स्टॉप बटन दबाओगे जब पुश स्टॉप बटन तो ये कौन सा क्या होगा, ये इसमें से करंट आपका पास होना शुरू बंद हो जाएगा सॉरी, और जो आपकी मैग्नेटिक कॉइल है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगी और जो उसके कॉन्टेक्ट है जो एन सी है वो अगेन वापस एनओ हो जाएगा और एनओ एन सी, तो उससे क्या हो जाएगी आपकी मोटर स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देख लो। कैसे कनेक्शंस करने हैं ये बड़े क्लियरली बताया हुआ है, सबसे पहले आपने सर्किट ब्रेकर लगाया फिर मेन कॉन्ट्रैक्टर लगाया, then two motor both power and another boom button on MCB. ठीक है, ये क्लियर है बेटा डायग्राम सभी को कैसे कनेक्शंस करने हैं आपने ड्यूएल में, ठीक है, ये वायरिंग डायग्राम था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपनी स्क्रीन पे, ठीक है जी, यस सर, ठीक है, और इसके बाद मैं आपको ये दिस वाज रिगार्डिंग दी, एक मैंने एग्जांपल आपको बताई है जैसे ड्यूएल स्टार्टर है, उसके अलावा नंबर ऑफ माइनर प्रोजेक्ट्स भी मैंने आपको बताई है,
ठीक है। एक बेटा मैं आपके साथ सिनॉप्सिस सबसे पहले था, जैसे ही आप कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हो तो उसमें स्टार्टिंग में क्या होते हैं आपके सिनॉप्सिस होते हैं, ठीक है। हरप्रीत सुनाई दे रहे हैं आपको? यस सर, ये मैं सिनॉप्सिस का आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कैसे आपने सिनॉप्सिस बनाना है। ये स्क्रीन पे विजिबल है आपको? वेरी फ्रंटल फर्स्ट पेज, तो इसमें क्या होगा सिनॉप्सिस ऑफ योर, ये मेजर की जगह आपका क्या आ जाएगा विल बी माइनर प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट, ठीक है, माइनर प्रोजेक्ट। देन सबमिटेड डिप्लोमा ऑफ कौन सा आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दिस इज द लोगो ऑफ योर कॉलेज चंडीगढ़ पॉलिटेक्निक कॉलेज, सबमिटेड बाय लेट्स से मनप्रीत, ठीक है, अंडर द गाइडेंस ऑफ एचओडी सर का नाम आ गया कमल जी सर, और यहाँ पे कमलप्रीत मेरा नाम हो जाएगा, ठीक है। दिस डिपार्टमेंट कैन बी चेंज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, सिमिलर हियर, ठीक है। उसके बाद ये सेशन मई टू दिसंबर, और फिर सेकंड जो आएगा सिनॉप्सिस में दैट इज इंट्रोडक्शन, ये मैंने आई विल बी शेयरिंग दिस वीडियो ऑन व्हाट्सएप, मैं व्हाट्सएप में भी आपको सेंड कर दे रहा हूँ, ये ऑलरेडी आई विल सेंड अगेन, मैं दोबारा भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें इंट्रोडक्शन में आपने क्या अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना है, ठीक है, भी फॉर एग्जाम्पल अब अगर आप DUL यूज करते हो क्यों यूज करना है, कैसे यूज करना है, ठीक है, अगर आप अगेन AC टू DC की सप्लाई को कन्वर्ट कर रहे हो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव सपोज कर लो यू वांट अ DC सोर्स ऑफ सप्लाई, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, यू वांट अ DC सोर्स ऑफ सप्लाई, लेकिन हमारे पास अवेलेबल कौन सी होती है, दैट इज AC, सो यू वांट टू कन्वर्ट AC टू DC, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव। तो मेथोडोलॉजी मतलब आप उसको प्रोजेक्ट को कैसे बना रहे हो, दैट कंप्लीट डिटेल, उसके बारे में आप विद इन अ पेज और अ टू वो सब आप डिटेल्स कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं कैसे उसको यूज कर रहे हो, और लास्ट में आप उसका एक फोटोग्राफ ऑफ वायरिंग डायग्राम भी आप डाल सकते हो, ठीक है, दैट कैन बी इंक्लूडेड एंड अ स्मॉल पिक ऑफ योर प्रोजेक्ट। सो दिस इज द सैंपल ऑफ द माइनर प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस दैट आई एम शेयरिंग विद यू, ठीक है, क्लियर हो गया जी। हरप्रीत टू थिंग्स, दो चीजें करनी है अभी, द टास्क आई एम प्रोवाइडिंग यू फॉर द नेक्स्ट वीक, एक तो फर्स्ट जो मैंने आपको ये शेयर किया था, एक तो आपने डिसाइड करना है विच एवर माइनर प्रोजेक्ट यू आर लुकिंग टू मेक, ठीक है, कोशिश करनी है बेटे इंडिविजुअल अपना अलग अलग बनाना है, इन केस अगर आपका कोई इनोवेटिव प्रोजेक्ट है अच्छा प्रोजेक्ट है और दो स्टूडेंट्स पास में रह रहे हैं और उनको मतलब वो मिल सकते हैं एक दूसरे से और प्रोजेक्ट अच्छा है, देन यू कैन मेक अ ग्रुप ऑफ टू आल्सो, ठीक है, और अगर ज्यादा भी कोई ग्रुप बनाना चाहता है यू कैन डिस्कस विद मी, ठीक है। तो दीज आर दी सिनॉप्सिस, इसमें डिसाइड करके प्रोजेक्ट अपना, तो सारी डिटेल्स इसमें डालनी है। और एक दूसरी चीज मैंने ये सिलेबस जो आपके साथ ये टास्क बताई है ये सभी बच्चों ने इंडिविजुअली करनी है भाई, 3 or more केबल्स पूरी क्लास ने चूज करके उनके स्पेसिफिकेशंस रेटिंग्स उनका मेक उनका कॉस्ट और जितने भी कंपैरिजंस आप कर सकते हो वो पूरा आइदर इन एक्सेल शीट ट्राई सभी ने एक्सेल शीट में बना के देना टेबल की फॉर्म में, अगर किसी को फिर भी दिक्कत है यू कैन शेयर इन PDF फाइल अपनी कॉपी पे फोटो क्लिक कर, तो दीज आर दी टू टास्क दैट यू हैव टू नीड टू कंप्लीट, ठीक है सर। प्रोजेक्ट बन जाएगा तब देने ना? नहीं नहीं, माइन जो सिनॉप्सिस है वो स्टार्टिंग में देने हैं बेटा, ये आपने प्रोजेक्ट कौन सा डिसाइड किया है उसमें क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, तो दैट इज व्हाट सिनॉप्सिस मींस है ना, और उसको कैसे बनाओगे आप, ठीक है सर। उसको 4 students एक साथ कर सकते हैं पार्टिसिपेट, बेटा 4 नहीं, इन केस अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्टली है और इनोवेटिव है अच्छा प्रोजेक्ट है तो वो मेरे से आप सेपरेटली डिस्कस कर सकते हो फोन पे या व्हाट्सएप या वीडियो कॉल, ठीक है जी। ओके सर, ठीक है, ये सभी को प्लीज अनम्यूट योर माइक्स, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, इफ एनीवन अभिषेक राहुल रवि जी किसी ने भी बेटा कुछ पूछना है,
सर ये हेलो सर ये सिनॉप्सिस है सर तो वो तो सिनॉप्सिस है जो तो सिनॉप्सिस अभी सर हम लोग जैसे ये करेंगे आपको ठीक है करेंगे जैसे अभी दिखाएंगे आपको ठीक है अपना बना के लेकिन जो प्रोजेक्ट रहेगा उसका इंट्रोडक्शन ही तो देने होंगे ना बस जी हाँ जी बिल्कुल बेटा वो मैंने आपके साथ अभी ये देखो शेयर तो किया है सारा उसमें इंट्रो है ठीक है ऑब्जेक्टिव है उसमें मेथोडोलॉजी है ये आपने क्या बनाना है क्यों बनाना है ठीक है इंट्रोडक्शन में क्या बनाना है ऑब्जेक्टिव में क्यों बनाना है और मेथड में कैसे उसको बनाओगे सारा ठीक है क्लियर है ये हेलो सर मैंने तो पहले से सर इलेक्ट्रिकल बाइक में ज्वाइन कर रखा है सर ठीक है बेटा जो इलेक्ट्रिकल बाइक वाले स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से सेपरेटली बात कर सकते हैं बिकॉज ऑलरेडी दे आर पार्टिसिपेंट ऑफ अर्लियर प्रोजेक्ट जो पहले से बन रहा है हमारे पास उसमें एक काम करना है आप अपने अपने सीनियर से डिटेल्स ले लो ठीक है जी तो अभी आपका ये लेक्चर खत्म हो रहा है ठीक है ओनली अ मिनट इज लेफ्ट तो इसको सीरियसली कम्प्लीट करके जिसका भी जो भी काम कम्प्लीट हो रहा है ठीक है वो सबसे पहला टास्क का कंपैरिजन ऑफ वायर वो मेरे को व्हाट्सएप पे सभी ने सेंड करना है और मेल के थ्रू भी आप शेयर कर सकते हैं ठीक है बेटा ओके सर ठीक है थैंक यू सर हरप्रीत एंड मनप्रीत इन केस बेटा एनी स्टूडेंट इज फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो ठीक है ओके सर सर ओके सर ठीक है बेटा थैंक यू थैंक यू सर ठीक है जी ओके मैं साथ में अटेंडेंस भी ले